ऑर्डर कर रहे थे, तो अच्छा अच्छा मत करो, पहले यहाँ बात सुनो, उनकी तो सीरियस में बोल रहे हैं। तो गाइस तो देखो मैंने अपने हेयर कटिंग करवा लिए हैं, बट वो पार्लर वाली चैनल नमता ब्लॉग्स पे, और आज दिन है संडे, और कल 10 दिसंबर था, आज 11 दिसंबर है। तो मैंने जैसा कि कल बताया था कि मैं संडे को बाल कटवाने वाली हूँ, तो यस मैं आज बाल कटवाने वाली हूँ। तो अभी तो मैंने अपने बालों पे देखो तेल लगाया हुआ है, बालों पे तेल लगाया हुआ है, पूरा तेल लगा हुआ है। तो अभी मेरे बाल देखो इतने लंबे हैं, इतने लंबे, तो इसको अभी जाना है अभी झिंझिरियापुर के पास, वहाँ पे एक पार्लर है जो कि बहुत अच्छा वो हेयर कटिंग करती है, 3 साल से हम वहीं कटिंग करवा रहे हैं, बहुत अच्छा कटिंग करती है, उसको पता है कि मेरे बाल में कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है, तो उन्हीं के पास जाएंगे कटवाने के लिए। तो अभी इसको धोना है, अभी हम नहाए नहीं है, अभी नहाने के लिए हम जाएंगे, तो बस इसको कटवाना है, बहुत मिस करेंगे इस बाल को, फिर से बड़ा हो जाना। तो ठीक है गाइस, अभी तो हम चले नहाने के लिए, नहाएंगे उसके बाद बाल सूखेगा, फिर हम पास जाएंगे पार्लर, बाल कटवाएंगे। अभी तो इतना बड़ा खोपा हो जा रहा है, पता नहीं इतना बड़ा होगा या नहीं होगा, तो उसके बाद जाएंगे, उसके बाद आप लोग को भी दिखाएंगे कि हम अपना न्यू हेयर स्टाइल कैसा करवा रहे हैं। तो ठीक है गाइस, बने रहो मेरे इस ब्लॉग पे, और न्यू लुक देखने के लिए रेडी रहो। वेल गाइस, तो अभी नहाने के लिए हम जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया, तो नहाने से पहले हम बेसन लगाते हैं, वो तो आप लोगों को दिखाई होगा मेरे पहले वाले ब्लॉग में। बेसन से ही हम अपना चेहरा धोते हैं, तो लोग हम राज की बात भी बता रहे हैं कि मेरा चेहरा सॉफ्ट और ग्लो इसलिए करता है क्योंकि हम बेसन से धोते हैं, साबुन हम यूज़ नहीं करते हैं, फेस वॉश हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि फेस वॉश से हमको पिंपल होने लगता है। तो अभी हम बेसन बना रहे हैं, इसी को लगाएंगे चेहरा में, देखो। तो ये मेरा पेस्ट बन के रेडी हो गया है, देखो अब इसको इसमें हल्दी और बेसन दोनों मिक्स है, इसमें हम पहले से मिक्स करके रखे हुए हैं बेसन और हल्दी, ताकि हमको अचानक से करना ना पड़े। कैसे लगाते हैं तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद ये जब सूख जाएगा उसके बाद धोएंगे, फिर दिखाएंगे आप लोगों को मेरा चेहरा कैसा लगता है, उसके बाद हमको नहाना भी। गाइस तो देखो मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, और अभी अचानक से हम निकल पड़े जल्दी से क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, शाम भी होने को है, बाल कटाना है, इसलिए जल्दी जा रहे हैं। ठीक है गाइस, अभी टोटो में बैठते हैं और पार्लर के पास पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं। फाइनली हम यहाँ ग्लिटर्स ब्यूटी स्पा मेकअप पार्लर आ गए हैं।
गाइस तो देखो मैंने अपने हेयर कटिंग करवा लिए हैं, बट वो पार्लर वाली तो सोशल मीडिया से दूर रहना है, इसलिए उसने मुझे परमिशन नहीं दिया कैसे कैसे कटिंग करना है वो नहीं दिखाने दी। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप कटिंग देख सकते हो, इतना प्यारा कटिंग है। अब इसको एक दो दिन लगेगा सेट होने में। हम लोग अभी काका का सेक्वा के पास आ गए हैं और आज हम अच्छे भी नहीं लग रहे क्योंकि कुछ भी मेकअप नहीं किए हैं। चल हंस क्या रहे हैं, चलिए 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 अंदर जाकर। वाह बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो हेलो बोलो। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग काका का सेक्वा आ गए हैं, बहुत दिन बाद आए हैं, हमको लगता है 3-4 साल बाद आए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, काफ़ी यहाँ पे चीज़ें देखो इंटीरियर वगैरह सब चेंज हो गया है, तो बस वेट कर रहे हैं उन लोग का, बस आएगा उसके बाद पार्टी करेंगे। हाँ कस्टमर को हम लोग यूज करेंगे कैब से दिखाएंगे। ठीक है। वेल गाइस, तो अभी हम काका का सेक्वा में ऑर्डर कर रहे थे। अच्छा अच्छा मत करो, पहले यहाँ बात सुनो, हम कितना सीरियस में बोल रहे हैं। तो मूड ऑफ हो गया, क्यों? बैड एक्सपीरियंस, क्यों? चूल्हा में कोयला डाल दिया। चूल्हा में कोयला डाल दिया, बोलते आप लेट कर गए, बोलते हैं कि नान वाला आइटम कुछ नहीं मिलेगा, ना रोटी मिलेगा, ना पराठा मिलेगा, ना कुछ नहीं मिलेगा। रोटी वाला आइटम कुछ नहीं। तो जीरा राइस लास्ट में ऑर्डर किए, तो अब उसी के साथ खाना पड़ेगा, खिचड़ी विल्ली चिकन उकन का करें, ये नहीं है पहली बार ऐसा रेस्टोरेंट देखे जो वेटर वहाँ बोलता है कि चुलवा में कोयला दे लग रहा ढाबा में आए हैं। ढाबा में आए यार, काका का सिखवा ठीक है, बोला ढाबे है नामे सुन के। मैं तो अभी वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं लाता है कितने देर में, कितना देर में ऑर्डर लेके गया है। तो हम लोगों का खाना आ गया है, 10 मिनट बोल के आधा घंटा लगाया, तब हम लोग खाने जा रहे हैं। देखो आशीष इसमें नींबू डाल रहा है, क्यों? क्योंकि हमको नींबू पानी पीना है अब, इसलिए नमक डालो हल्का सा। ग्रेट, ठीक है। देखो ये पानी दिया है क्यों? हाथ धोने के लिए, मतलब हाथ से खैबे नहीं किए तो कहाँ धोएंगे। देखो आकाश प्योरे, हम जा रहे हैं इसको पीने, इसीलिए मैं थक गया था, वो तो डाल रही थी ऑन एंड ऑफ टीवी चालू करने आओ ने के के ये तो रे थी क्या सजन चालू आप बाबा जी खाए, चलो फिर आते चलिए, और असली मजा तो वही है। चलो बाबा जी, नहीं हमको नहीं खाना, हमको घर जाना, हमको खाते हैं कुछ नहीं है। ओके कस्टमर आ रहा है, उसको पहले बोले भैया रोटी वोटी नहीं मिलेगी। चलिए जी, बाद में मौका नहीं मिलेगा, चेंज कर लेंगे बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या लगाया है, लेजर पॉइंट। वेल गाइस, तो अभी हम रूम आ गए हैं और देखो मैंने अपने बाल कटवा लिए, एकदम छोटे छोटे कर लिए, कहाँ इतना इतना था, कहाँ इतना हो गया, बट हमको अच्छा लगता है छोटे बाल, हमको बहुत पसंद है, आई लाइक इट, बहुत अच्छा काट दिया। हाँ लेकिन थोड़ा सा हमको बुरा लगा, हम सोचे थे कि वो जैसे जैसे काटेगी हम रिकॉर्ड करेंगे, बट वो ऐसे नहीं बोली, हम जैसे उसको पूछे बोलती हम नहीं 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 हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, कटवा लिए, उसके बाद निकल गए। बोलिए आगे थोड़ा हमको लग रहा है कि कम काटी है, यहाँ पे थोड़ा कम काटी है, तो हम बोले उनको कि थोड़ा सा कम काटे हैं, तो बोले कि ठीक है बेटा देख लो, एक दो दिन में अगर लगेगा कि कम है तो फिर आप जाना, फिर छोटे कर देंगे, तो देखते हैं कैसा लगता है, तो फिर जाके हम कम करवा लेंगे। तो ठीक है गाइस, आज मेरा संडे का दिन कुछ इसी तरह बीता, दिन भर बोरिंग भी, कुछ एक्साइटमेंट भी था, तो आज का छुट्टी समाप्त हुआ और कल से फिर ऑफिस, वही खिसा पिटा ऑफिस।
तो ठीक है गाइस, अब हम जा रहे हैं खाना बनाने का, तैयारी करते हैं और अपने बालों को भी सेट करते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।